उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। प्रियंका को जब से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी और कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया है, वो देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में काफी सक्रिय हो गई। अब इसकी काट के लिए बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुट गई। माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्वांचल में गांधी बनाम गांधी का मुकाबला शुरू करने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव द्वारा सपा बसपा गठबंधन से कांग्रेस को अलग रखने के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाकर यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट ला दिया था। वहीं कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की कमान देकर यूपी में ये संदेश दिया कि कांग्रेस अभी रेस से अलग नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस राज्य में किसी भी कीमत पर बैकफुट पर रहकर नहीं खेलेगी। गौरतलब है कि बीजेपी आला कमान ने भी प्रियंका का तोड़ निकालने के लिए गांधी बनाम गांधी के बीच चुनाव करवाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी दांव के लिए मेनका गांधी और वरुण गांधी को सिपे सलार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक मेनका गांधी के साथ अहम मीटिंग के बाद बीजेपी आलाकमान ने प्रियंका गांधी का तोड़ निकाल लिया है। मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री के साथ साथ प्रियंका गांधी की चाची भी है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रियंका को घेरने के लिए मेनका गांधी को मैदान में उतार सकती है और इस बाबत पूर्वांचल में उनकी चुनावी रैलियों का योजना है। इस बार मेनका गांधी सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने वाली प्रियंका गांधी के लिए अपनी चाची मेनका गांधी पर सियासी हमले करना आसान नहीं होगा। आमतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस का कोई और नेता, उसे मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी पर निशाना साधते हुए कम ही देखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी परिवार के ही सदस्य मेनका अब प्रियंका गांधी को काउंटर करने का जिम्मा संभाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।